वीआईपी यानी कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक, और ये शेयर बताने के लिए जुड़ गए हैं हमारे आज के खास एक्सपर्ट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज की अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, शुक्रिया है आपका इटिन हाउस स्वदेश पर। बताइए, आज क्या चुनकर लाए हैं आप हमारे दर्शकों के लिए? अभिषेक, आज जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक वीआईपी शेयर है वो एक हॉस्पिटल कंपनी है और जिसका नाम है फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड। फोर्टिस हेल्थ केयर एक इंटीग्रेटेड प्लेयर है जो करीबन 27 हॉस्पिटल्स में अपना नेटवर्क स्प्रेड आउट कर चुकी है। पैन इंडिया प्लेयर है, करीबन 4,100 ऑपरेटिव बेड की कैपेसिटी है और आने वाले 3 सालों में ये और 1,200 बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाने की बात करिए तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। दूसरी बात, कंपनी के पास एक बड़ा डायग्नोस्टिक बिजनेस है जिसका नाम है SRL डायग्नोस्टिक। अभी ये बिजनेस भी करीबन 2,300 कस्टमर टच पॉइंट्स टच करता है, करीबन 600 सिटीज में ये ऑपरेट करते हैं और यहाँ भी कंपनी का मैनेजमेंट का मानना है कि अगले 2 साल में ये कस्टमर टच पॉइंट यहाँ से भी डबल होंगे। कंपनी के फाइनेंशियल इस साल काफी अच्छे हो गए। इनफैक्ट इस साल हमको लग रहा है कि करीबन 6,000 करोड़ का रेवेन्यू, 1,100 करोड़ का इबिटा और करीबन 450-470 करोड़ का प्रॉफिट आने की उम्मीद है जो पिछले साल लॉस था। सबसे बड़ी बात, हेल्थ केयर स्पेंड इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मेडिकल अफोर्डेबिलिटी, मेडिक्लेम जैसे प्रोडक्ट से अभी हेल्थ केयर की सुविधाएं सभी लोग यूज कर रहे हैं तो डिमांड हॉस्पिटल सुविधा के लिए अच्छी होगी। कोविड का डिमांड और डायग्नोस्टिक का बिजनेस भी कंपनी के लिए अच्छी तरह से आने वाले साल में बढ़ने की उम्मीद है और आने वाले साल में हो सकता है कि SRL डायग्नोस्टिक की जो कंपनी है वहां पे कंपनी इसका एक पब्लिक इशू करे, थोड़ा वैल्यू अनलॉकिंग हो। और सबसे बड़ी बात, बजट 10 दिन के आसपास है, हो सकता है कि हेल्थ केयर सेक्टर को लेके गवर्नमेंट बड़े अनाउंसमेंट करे क्योंकि हेल्थ केयर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस एरिया है। तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि इसको डेफिनेटली खरीदना चाहिए। कम से कम हमको लग रहा है कि 6 से 12 महीने में 360-365 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो फोर्टिस हेल्थ केयर आज का वैल्यू पिक रहेगा, डेफिनेटली इसमें अच्छा मुनाफा बच सकता है। ठीक है, ठीक है। फोर्टिस हेल्थ केयर हॉस्पिटल चुना है अविनाश जी ने और इसमें टारगेट है 360 रुपए के। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए। और अब वक्त है आपको बताने का कि आज के लिए